नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जनरल अवेयरनेस का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट किया था, तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं साइंस और मैथमेटिक्स का नेवी MR के लिए एक कम्प्लीट मॉक टेस्ट। दोस्तों, टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 25 कितना रहा है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी लेकर आ चुका है एक्सपर्ट सजेशन। ये जो QR कोड आप देख रहे हो, इसको स्कैन कीजिएगा। ये स्कैन करने के बाद आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। देन उसके बाद आप सभी उसमें ये पूछ सकते हो कि कैसे मैं अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ एक्सपर्ट से, कौन से बेस्ट बैचेज जिनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। और यहाँ पर जब आप इस फॉर्म को फिल करो तो रेफरल कोड में इंडियन एंटर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ फिलहाल के लिए जो बेस्ट बैचेज चल रहे हैं CDS के लिए प्रारंभ CDS बैच, कमांडो 4.0 NDA का डिटेल्ड बैच है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। FCAT के लिए AMFCAT बैच लाइव हो चुका है, इनको ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको आइकॉनिक परचेज करना है प्लस या फिर बाई लाइट। यहाँ पे दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन है सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आप लाइट लेना चाहते हो जिसमें आपको सेक्शनल और PYQ टेस्ट सीरीज मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलते हैं, आपको जो भी परचेज करना है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, कितने मंथ के लिए आप उस कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। एंड हैव रेफरल कोड में आपको एंटर करना है इंडियन, और आपके जो प्राइस हैं वो 10% से कम हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे करके आप जो है इसको परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लास को भी आप दोपहर के 2 बजे ज्वाइन कर सकते हो। इसको अनलॉक करने के लिए आप मेरे अनलॉक कोड इंडियन का इस्तेमाल कर सकते हो, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। द मेन ओर ऑफ मर्करी इज, यानी जो पारा होता है दोस्तों, आप सभी को पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाली धातु है आपका पारा। तो जो पारा है इसका मुख्य आयसक, यानी किससे जो है हम पारे को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेन ओर आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिस इज सिनेबार। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, यानी जो NG होती है, नेचुरल गैस होती है दोस्तों, उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, अगर यहाँ पे आपसे CNG पूछ ले तो मेन कंस्टिट्यूएंट इसका मिथेन हो जाएगा दोस्तों, दिस इज मिथेन। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन नेचर इज, प्रकृति में कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो आप सभी को पता है दिस इज डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अगला सवाल कह रहा है किलो वाट घंटा किसकी इकाई है, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो आप सभी को पता है किलो वाट आवर, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम KWH कहते हैं दोस्तों, और इसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं, और इसमें ही हमारे घरों के बिजली का बिल आता है। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टील इज अ मिक्सर ऑफ, जो स्टील होता है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें वैसे तो कई मेटल्स होते हैं दोस्तों, लेकिन मेनली क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, कार्बन भी होता है, निकल भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, जो हवा है उसका मुख्य घटक, यानी हवा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्या पाई जाती है? तो हमें पता है दोस्तों दिस इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। जो बेरी बेरी रोग है दोस्तों, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग है दोस्तों, ये आपका थायमिन की कमी से होता है, और दिस इज कॉल्ड विटामिन B1, और सिंपली हम क्या कह सकते हैं, विटामिन B, क्योंकि विटामिन B अकेला भी नहीं होता है, यह कम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर 8 विटामिन होते हैं। अगला सवाल देखो भाई, रिकेट्स जो होता है एक बीमारी का नाम है, जो कि हड्डियों को अफेक्ट करती है दोस्तों, और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है रिकेट्स? तो रिकेट्स होता है दोस्तों विटामिन D की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई। ब्लड इज प्योरीफाइड बाय, रक्त को शुद्ध किया जा सकता है, रक्त जो है दोस्तों किस अंग के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो हमारी जो किडनी है दोस्तों, वो क्या करती है भाई, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। व्हाट इज द यूनिट इन थर्मामीटर टू शो दी टेम्परेचर, जो थर्मामीटर होता है दोस्तों, आप सभी को पता है टेम्परेचर को मापने का काम करता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के अंदर हमें जो है टेम्परेचर को मापना है, तो थर्मामीटर के अंदर हम इनमें से किसका उपयोग करेंगे, लेड, मरकरी, सिल्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी होती है और ये लिक्विड होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये बहुत ही कम राइज करता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अक्कर, यानी जो सूर्य ग्रहण है दोस्तों, ये कब होता है? तो भाई आपको पता होना चाहिए, जो सोलर इक्लिप्स है, यानी जो हमारा सूर्य
ग्रहण है दोस्तों, ये कब होगा भाई? जब चंद्रमा आ जाता है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच, तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल पढ़ो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पता है भाई ये नॉन मेटल है, इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, और यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर मेरे पास कॉपर हो जाएगा यानी तांबा। आगे देखो भाई, सकरवी जो बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो सकरवी यानी विटामिन सी है ना, यानी एस्कार्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों सकरवी। आगे देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? बड़ा ही सिंपल सा है, द वैल्यू ऑफ 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये मत सोचना कि सीजीएल के क्वेश्चन आपको एमआर में दे देंगे, तो भाई आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है, 30 मिनट का टाइम टोटल दिया जाता है, तो एग्जाम ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, बस आप कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अप्रोच आप सही यूज़ करने चाहिए भाई आपकी एग्जाम को, क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। यदि दो त्रिभुज के कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है दोस्तों, तो तीसरा कोण आपसे पूछा है कि कितना होगा, ठीक है? दो कोण आप त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं दोस्तों, एक तो मेरे पास कितना है भाई, एक तो मेरे पास 30 डिग्री का है, और दूसरा मेरे पास दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 105 डिग्री का। तो तीसरा कोण आपसे पूछा है भाई कि तीसरा कोण जो है वो कितना होगा, तो हमें पता है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ है वो कितना होता है भाई, वो मेरे पास होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक मैंने x मान लिया, तो कितना होता है 180। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि 105 को और 30 को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 135, और फिर जब 135 को मैं 180 में से घटाऊंगा तो 45 डिग्री मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45? 45 का दोस्तों 7/9 काट दो दोस्तों, 9 5 45 और 7 5 35, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 0.4z-3 अपॉन में है दोस्तों 1.5z+9 इक्वल टू -7/5। देखो यहाँ पे इसको आप सिंपली भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, -3 है, अपॉन में कर दो दोस्तों, यहाँ पे क्या है भाई 1.5z+9 है, इनटू इक्वल टू है दोस्तों ये माइनस का 7/5। तो यहाँ से क्या करूँगा अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा दोस्तों, और यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2z-15 हो गया, 5 3 15, फिर उसके बाद इक्वल करूँगा दोस्तों मैं, अभी यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे, तो ये मैंने माइनस का टर्म ले लिया। अब जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों किससे, यहाँ पे मेरे पास आ गया दोस्तों माइनस का 10.5 और माइनस जेड है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा दोस्तों मैं -63 करूँगा। तो जब आप इनको सोल्व करोगे दोस्तों तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे वो आ जाएगी 12.5z = -48, और जेड की जब मैं वैल्यू यहाँ से निकालूंगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगी -48/12.5, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 96, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी दोस्तों 96/25, क्योंकि यहाँ से पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ पे इनटू में 10 चला जाएगा दोस्तों, तो इसको आपको सिंपली कैंसिल आउट जो हो उसको कैंसिल कर देना, और वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला सवाल कह रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विद लेंथ 300 मीटर एंड ब्रेड्थ 200 मीटर? आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, एरिया निकालना है भाई प्लेग्राउंड का, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ आप सभी यहाँ पे कर सकते हो, और मेरे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका, हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा तो क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे पास वैल्यू जो आएगी भाई वो आ जाएगी, देखो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया जब हम निकालेंगे दोस्तों तो मेरे पास क्या आ जाएगा अभी इसका करेक्ट आंसर, मेरे पास करेक्ट आंसर जो आएगा, सॉरी यहाँ पे आप निकाल दो भाई, इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ मेरे पास है 300 और ब्रेड्थ मेरे पास है 200, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 और 2 4, तो यहाँ पे 60,000 m² मेरे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, यानी 8 जो आदमी हैं दोस्तों वो काम को 15 दिन में करते हैं, देन हाउ मैनी डेज 20 men विल कम्प्लीट द सेम वर्क, उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आप इसे m1d1 = m2d2 से कर सकते दोस्तों। यहां पे देखो भाई 8 यानी पहले दिन जो है कितने आदमी दोस्तों, 8 आदमी, और कितने दिन लग रहे हैं भाई 15 दिन, और M2 यहां पे हमारे पास है दोस्तों 20, और हमें डे निकालने की कितने होंगे, तो यहां पे देखो दोस्तों जब D2 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 8 × 15 / 20 कर लूंगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों भाई उसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, और यहां पे भाई देखो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहां पे, तो देखो
बिल्कुल भाई, वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 डेज 3 दूनी 6, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1/4 + 1/2 + 1/4 को आपको ऐड करना है दोस्तों, तो 1/2 + 1/4, तो यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम, और एलसीएम मेरे पास आ गया दोस्तों 4, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 1, तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 3/4। अगला सवाल देखो दोस्तों, 3/4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 0.0036 का वर्गमूल आपसे पूछा है दोस्तों, तो 0. इसको हम पॉइंट हटा देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे पास, अपॉन में यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया दोस्तों, और मैं जब इसका निकालूंगा तो 36 का होता है दोस्तों 6, और जब आप 10,000 का निकालोगे दोस्तों तो मेरे पास होता है 100, तो यहाँ पे 0. क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.6 इसका रूट आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का एक पक्ष क्या है, ठीक है, मतलब साइड आपसे पूछिए कि एक साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी। देखो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है दोस्तों 4a, या फिर 4 × साइड, तो 4 × साइड आपको दे रखा है कितना दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 1000, तो साइड आपसे पूछिए तो 1000/4 आप कर दो दोस्तों, तो मेरे पास जो वैल्यू बन गई भाई यहाँ पे कैंसिल आउट इसको आप कर लेना 250, तो यहाँ पे एक साइड की वैल्यू मेरे पास आ गई 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 30 को आपको मिनट में करना है, तो 3 घंटे को आपको क्या करना है, मिनट में करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा दोस्तों तो 180 मिनट मेरे पास हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई, x + 4 मल्टीप्लीकेशन करनी है x + 5 के साथ, तो इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों x·x² + 4x हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा x को फिर x से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है दोस्तों, देखो एक बार x को आप x से मल्टीप्लाई करो, एक बार x को आप 5x से मल्टीप्लाई करो, एक बार 4 को आप x से मल्टीप्लाई करो, और एक बार आप जो है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बन गई दोस्तों वो मेरे पास बन गई है भाई ये, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो x² + 9x हो गया +20 = 0, तो ये मेरे पास जो है बेसिकली यहाँ पे बन जाएगी दोस्तों क्या हो गया भाई यहाँ पे x² 9x और 20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, एवरेज यहाँ पे निकालनी है 40, 10, 25, 20, 35, x = 25, इनका एवरेज आपको दे रखा है (x = 25), तो आपसे पूछा है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, तो एवरेज निकालनी है दोस्तों, सबसे पहले नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हैं, तो डिवाइड करूँगा मैं 6 से, अब इनको ऐड कर दो भाई, ठीक है, ऐड कर दो क्योंकि वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, टोटल 6 वैल्यू मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इनको ऐड जब हम करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से ही दे रखी है 25, तो अब इनको ऐड करेंगे तो 130 + x = कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 150 हो जाएगा, क्योंकि भाई 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, या फिर 25 × 6 आप ऐसे कर सकते हो, तो 130 + x = यहाँ पे हो जाएगा भाई 150, तो वैल्यू जो x की मेरे पास आ जाएगी दोस्तों 130 माइनस हो जाएगा 150 में से, तो 20 मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन थे दोस्तों, टोटल मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं, अब आप मेरे को ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको इसमें से कितना स्कोर है, बाकी सेफ की अगर मैं बात करूँ तो 20+ आप इजीली इसमें लेके आ सकते हो, ठीक है, सो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोपहर के 2 बजे मेरी लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर, इंडियन कोड का इस्तेमाल करके मेरी क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे इंडियन कोड की मदद से तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, एक बार चेक कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।